हेरे चला चलाई अरे हो रही भैया मेरे गड़ गड़े उखड़े में ताड़ा भी लग जाएगा अरे बंदे खड़ा तमाशा। साइया संसार में है मतलब को व्यवहार, जब तक पैसा गांठ में तब तक था को यार, यार संगई संग डोले पैसा रहे न गांठ यार मुख से ना। बात का ये ही लेखा बिल मतलब का यार मैंने बिरलोई। भाई प्रस्तुति करवा रहे हैं ढोला की। अरे मैंने ही ये धर बात अड़ाई, हो की लोहा हो गो हमीद कुमर को प्या सुनाऊ लोहागढ़ की। प्यारे दोस्तों, राजा सरनापत की बेटी जो थी करवन से हेटी, पर के योग है आई सोच समझ राजा ने कई सुता की रचंगे। राजा सरनापत की बेटी पर के योग हुई, मन में विचार लगाने लगे, सियानी बेटी हो जाती है पत्थर की शिला की तरह होती है, और जो इज्जत रखने वाले होते हैं वो तो अपनी पगिया की बड़ी अच्छी तरह से लाज रखते हैं। प्यारे दोस्तों, राजा के मन में विचार आया, तब राजा ने मन में सोची बात, अरे ऊंच नीच में कऊ पांव पर गो सुता को, मेरी पगिया में मिल जाएगी पैर लिखा करे कोई बोलन ना देगो, दे सारे दुनिया में अरे जी। से नाई ब्राह्मण के लिए बुला रहे हैं, शादी की लगन पत्र का तैयार करके किस तरह से नाई ब्राह्मण को दे रहे हैं, क्या लिखा जा रहा है चिट्ठी में, आइए यहां से प्रस्तुति होगी प्रोग्राम की। जिसकी प्रस्तुति कर रहे हैं भैया पप्पू यादव जी भोजराजपुर की तरफ से, भैया ब्रजेश कुमार शास्त्री भोजराजपुर की तरफ से, और जो हास्य कलाकार हैं भैया मुनीश कुमार नदरौली की तरफ से, लेडीज कलाकार हैं राजकुमार जी बिहारीपुर की तरफ से डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, राधे भैया निवासी श्रीनगर बैजोई से, और कृष्ण यादव जी निवासी हिरोनी की तरफ से, पंकज कुमार निवासी जयदासपुर की तरफ से, और मैं
हुकुम सिंह बैरागी जयदासपुर की तरफ से संगीत जो आपके सामने बज रहे हैं, भैया ब्रजेश कुमार यादव जी जो हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं और नक्कारे पर साथ दे रहे हैं, दिनेश कुमार उस्ताद निवासी सरोरा की तरफ से और ढोलक पर साथ दे रहे हैं अरविंद भैया। बड़ी ही सुंदर मधुर आवाज ढोलक की दिखा रहे हैं आप लोगों को। आइए इन कलाकारों के साथ आपको प्रस्तुति कर रहे हैं हमीद कुमार का ब्याह। होगी सगाई अरे मेरी बारी बिटिया की, राजा में करत विचार नाऊ ब्राह्मण कौन बुलबारे सुन भैयो शादी की चिट्ठिया देंगे बनाए। अरे बोलो जो जालो पंडित जी महाराज के जीवन की जय जयकार। खुश रहो श्री ओम भैया, मेरी बात सुन रहे हो तो बुद्धगिरी महाराज जी से आकर के मिलने। श्री ओम भैया महाराज एक बात बताइए, कहो आज अचानक से क्यों बुलवाया है हमें? अचानक क्यों बुलाया है कि हमारी बेटी ब्याह के बरयोग्य हो गई है और हम उसकी शादी करना चाहते हैं। तुम चिट्ठिया ले जाओ और हमारी बेटी के लिए बर ढूंढ करके आओ। जाओ महाराज बीस बरस की अनाप मेरी बिटिया चिट्ठिया लिखो में लोहागढ़ में पंडित जी पर ढूंढो देश देश में जाए चिट्ठिया में एक बताइए के नकी लखिया सुखल तलवार अरे कौन सो राजा तुमने देख लो राजन ताके द्वारे चले सगाई बताओ भूप राजा को ऐसा राजा कौन सा देख लिया जिसके दरवाजे पे जाना है? हमने कोई राजा नहीं देखा है, मतलब कोई भी राजा नहीं देखा है और हमारी कुछ सत्य भी लिखेंगे चिट्ठिया में। अच्छा चिट्ठी में शर्तें हैं? सत्य भी हैं। क्या क्या शर्तें लिखी? सत्य बताता हूँ, मैं चिट्ठिया लिखता हूँ सत्य भी बताऊंगा। बारे लड़ाई निको चिट्ठिया में और तेरे में मैं समझती की भेद नेक जो कपे बजे गो तुधारो जब मेरी होए गो तुता को ब्याह बार बार को सुनो नदिया दंदल हाथी अंबारी सेट जाए समय आए पारे लड़ाई बबरी बन की बोले हत जी आए तुम्हें रहो समझ आए अरे जालो हाथ देख रहे हो आई तो आई समय पारे लड़ाई है चिट्ठी में अब नेक जोग पे भेंट
बैठ समधी की, समधी की भामर परनी बरना की बैठ। अरे भाई एक बात तो बताओ, तुम चिट्ठी बना रहे हो या काऊ राजा की बर्बादी चाह रहे हो? पहले जो अरे चिट्ठी बना रहा है और ये भी अजमा रहा है कि हमारे लायक कोई राजा है या नहीं है। अच्छा हा? जैसे तुम्हारे लायक कोई राजा हो वो तो चिट्ठी मंजूर करे वो, नहीं तो हट जाएगा, हट जाएगा पीछे। और महाराज अगर किसी ने चिट्ठी मंजूर ना करी तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ होएगो जरूर, कोई ना कोई राजा तो होएगो। अरे पहली लड़ाई लिखी चिट्ठी दूसरी तीसरी ने चौथी लिख गई, पचाई छठी सातवी लिख गई और आठवीं पे कलम चलाए, नवीं दसवीं ग्यारहवीं लिख गए, बारहवीं दई लड़ाई लिख पाए, नेक जोग पे बैठ समधी की, अरे दिल रात बजेगी तलवार, सताई भामरी जब पड़े परना की, बुरे भित जी ठेल पे चलेगी बैठ, अरे पारे तुला अरे नाई वाला तो सुनो, देश देश में घूमेंगे, समय को भी लात लगाओ, तुम सब बात जान दो। और ये जो फिल्म आप लोगों के सामने दर्शा रहे हैं सेवक राम यादव जी ईटॉप के द्वारा, ये ढोला का प्रोग्राम आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना नहीं भूलेंगे। स्टूडियो सेवकराम स्टूडियो फिल्म बना रहे हैं हमारे सेवकराम भैया, बड़ा ही सुंदर चरित्र आप लोगों को दिखाया जाएगा। महाराज अकेलो जाओ ना, अकेले नहीं जाओगे तो नाई को ले लो ना साथ में। जो बात सही है, नाई को बुलवाओ, नाई कहाँ है? अब यारो मोह जानो बिल्ला दूर, अरे तुम नाई का तुम्हारा साथ है, बुलाओ। जो बात सही है, सही है महाराज, मैं बुला रहा हूँ। हाँ जाओ बुलाओ, ठीक है तुम बैठो। और पता है यानी हमारी लड़की 18 साल की है, 20 वर्ष का लड़का होना चाहिए। सही है, हाँ नाई के बुलाओ पहले। सही है, ओ भैया नाई के जो कौम जब बोली तब उल्टी बोली, जा कौम को सहूर कबाउ बोलबे को ना आओ। ओ भैया बित्तिया, अबे यो तालंगो तेरी कुत्तिया। मैंने कहा कही जो कौम ही ऐसी है जब बोले ही तब उल्टो। ए बात सुनो और देखो तहजीब दिखाऊं तुम्हें। ओ भैया बाल मास्टर, आप क्या कह रहा हुआ बताए? सुधरो तो बात हो ही रही। सुनो महाराज ने अति शीघ्र बुलाया है। अब इन्होंने अपनी बात कह दी कि जो कौम ना सुधरेगी, जे पंडित है मैं ना आई हूं। देखो जैसे बोलोगे वैसे ही बुलवाओगे। और ये 20 रुपए का पुरस्कार लेकर के आए हैं रोहतास सिंह, जो निवास स्थान अमरपुर के रहने वाले हैं। 20 रुपए से सम्मानित कर रहे पार्टी के वास्ते, हम कोटान कोट भैया को धन्यवाद दे रहा। पहले तुम तेजीब के बोलो, हम ते तब तुम ते बोलेंगे हम। कैसे मतलब? तुम हमसे के करो ठाकुर साहब। ये देख रहे हो बार बनाए बारे ठाकुर हैं। तुम ठाकुर साहब कहोगे तब मैं पंडित जी कहूंगा, बेचू में रिश्ता में तुम्हारो चाचा लागत हूँ। हिसाब लगा, तुम मेरे चाचा कैसे हो सकते हो? बिल्कुल है सका तुम साहब, चलो हिसाब लगाओ। देखो बामन बमनेटा, अच्छा राम जी को बेटा, सही है। नाई नाई राम जी के भाई, अब रिश्ता में चाचा ना है भाई। हाँ। देख रहे हो क्या तुक्का फिट किया इसने ठाकुर साहब। कहिए पंडित जी, देखी ऐसे समझ लो जब जाके दरबज्जे पर कहा मैंने हाथी बांध दो, ये देते अजीब तो बोलो। ऐसा है ठाकुर साहब, महाराज ने बुलाया है।
महाराज ने बोला। हाँ उनकी जो कन्या है चंद्रकला उसकी शादी है, तो महाराज जी के पास चले। और ये 50 रुपए का पुरस्कार लौदा सिंह निवास स्थान अमरपुर की तरफ से आए हैं, 50 रुपया दे रहे हैं, हम कोटान को धन्यवाद देते हैं। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, खुश रहो नाई ठाकुर। हाँ महाराज जी आपने हमें बुलवाओ। हाँ बुलवाया था, कहिए क्या क्या है, क्या क्या है, क्यों बुलवाया ये पूछो ना। यो बुलवाया है कि हमारी एक बेटी है उसकी शादी है, तुम लगन पत्र का लेकर के जाओ और उसकी शादी के योग्य बंदा ढूंढ करके आओ।